जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आदित्य देवीलाल चौटाला जिन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है, वो सिरसा की डब्बाली विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे। लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में अपनी पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें उनका नाम शामिल नहीं था। इस वजह से वो नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और आज रविवार को उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो पार्टी ज्वाइन कर ली है। शनिवार को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी और उन्होंने इनेलो पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने आदित्य चौटाला को पार्टी में शामिल कराया और इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने उनको इनेलो का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। अब आदित्य देवीलाल चौटाला इनेलो के टिकट पर डब्बाली सीट से चुनाव लड़ेंगे और कल सोमवार को वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। आदित्य चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते हैं, जो हरियाणा की राजनीति में प्रमुख परिवार से आते हैं। आदित्य चौटाला ने इनेलो ज्वाइन कर लिया है, इससे पार्टी को एक मजबूत उम्मीदवार मिल गया है। आदित्य चौटाला साल 2014 में बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे। साल 2019 में उन्हें हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का चेयरमैन बनाया गया था, जो उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आदित्य चौटाला ने 2019 के विधानसभा चुनाव में डब्बाली से ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो कांग्रेस के उम्मीदवार अमित सियाग से चुनाव हार गए थे। आदित्य चौटाला सिरसा जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2016 में पंचायत चुनाव में आदित्य चौटाला सिरसा जिला परिषद के जोन 4 से जिला पार्षद बने थे। उन्होंने अपनी भाभी और अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला को हराया था। तब से वो भारतीय जनता पार्टी की निगाहों में छड़ गए थे। लेकिन अब इस बार बीजेपी पार्टी ने अपनी लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था, उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने नाराज होकर बीजेपी पार्टी छोड़ दी है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ली है। थैंक यू।